आया हूँ आप लोगों की तलाश में। आप लोगों ने अलायंस बैंक से चोरी की है। आप शायद भूलते हैं, मैं हरेंद्र नहीं हूँ, मैं यूनियन थिएटर का मालिक हूँ देवेंद्र बाबू, और आप है हेम बाबू। देखिए कलकत्ता में घर है, खामोखा आप हमें परेशान ना कीजिए। और ये देखिए ये मेरे नाम का कार भी है। ऐसी कौन सी खास बात है जो आप दोनों को बेगुनाह साबित कर दे? और ये कोई कह सकता है कि आप दोनों में एक देवेंद्र बाबू हो जिसने ये कार चुरा लिया है? देखिए मेरे सिपाही बाहर खड़े हैं और चुपचाप आप लोग हमारे साथ थाने चलिए, वरना ठीक नहीं होगा। चलिए देखिए हाथ ना लगाना, जान नसीब कर दूंगा। हाँ मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, यूनियन थिएटर का मालिक हो, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, नहीं तो खाक में मिला दूंगा। फिर पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाओगे तब फिर चप्पी चप्पी चटा भी ना मारूंगा। हाँ हरेन का हुलिया बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है, बाल बड़े हुए, निशानी ऊंची। भुवन के हुलिये में जिस निहाय की फरवा उम्र 50 के करीब और जो अलामतें बतलाई गई है वो बिल्कुल आपके दोस्त से मिलती जुलती है। अरे अरे नीला नीला गधा है क्या? अरे अहमद क्या पूरे कलकत्ते में भुवन से मोटा आदमी कोई है ही नहीं? अच्छा किसी और से जाके पूछिए ना, मैं जानना चाहता हूँ ना जानता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ अभी तुम मुझको जानते नहीं हो, समझे? ठंडे ठंडे यहाँ पे चले जाओ वरना मेरा मारा पानी भी नहीं मांगता। हाँ समझ लो बहुत हो गया तुम्हारा। देखो हाँ भाई, हमने माना कि भुवन मोटा है तो मैं भी थोड़ा सा मोटा हूँ जरा, तो इसका मतलब मैं ही भुवन हूँ क्या? है कुछ भी बोल रहा है। और इसका क्या सबूत है आप भुवन नहीं हो? सिर्फ वो कार्ड देखिए, ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये साबित कर दे कि आप दोनों में एक देवेंद्र बाबू हो। देखिए आप लोगों की वजह से तो मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, चाहे हमारे साथ थाने चले। देखिए मैं अगर आपको किसी एक ऐसा आदमी से मिला दूं जो हमको पहचानता है तो तब तो आपको यकीन हो जाएगा। मेरे दानिश में ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिनसे आपका निस्बत दरियाफ्त न किया। ऐसा एक आदमी है आज ही सुबह मुलाकात हुई थी, वो भी यहाँ का पुराना बासिंदा है। अच्छा क्या नाम है उसका? नाम तो याद नहीं आ रहा है। थाने चलिए सब याद आ जाएगा, आप लोग की वजह से हेराबाजी की वजह से बहुत नुकसान होता है। खड़िए खड़िए खड़िए, देखिए ओठों पर है। मैं बाहर कब निकालोगे? जल्दी निकालो। खड़िए पान खा दूं जरा। पान 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 देखिए पान आ गया। उसका नाम था प्राण पाठ पान। उनसे कहाँ मुलाकात हुई? अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप खुद ही जाकर गांव में तलाश कर लीजिए और हाँ अच्छी तरह से तहकीकात करना, ये आपके लिए आखिरी मौका है, वरना ठीक नहीं होगा। तो आप लोग भी याद रखिए, अगर वो व्यक्ति तलाश करने के बाद भी नहीं मिला तो आप लोग की खाए नहीं। सुनो पता करो कि प्राण पद पान नाम का कोई व्यक्ति इधर रहता है या नहीं, अगर रहता है तो सुबह वो देवेंद्र बाबू से मिला था या नहीं, अगर मिला था आज तो चलो मैं भी आता हूँ। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अरे क्या मंजूर है खुदा, मंजूर है खुदा होगा। तुमको समझाया था लेकिन नहीं, कश्मीर चलेंगे नाटक खेलेंगे, खेल लिया नाटक, मुझको भी फटा दिया बीच में है तुमको। मेरे आदमियों की मुलाकात प्राण पथ पान बाबू से हुई। उन्होंने कहा कि आज वो सवेरे देवेंद्र बाबू से मिले थे। लेकिन इससे कैसे साबित होगा कि आप दोनों एक देवेंद्र बाबू हो?
प्राण पदपान बाबू बैठे अपनी लड़की को कहानी सुना रहे हैं, इस वक्त नहीं आ सकते। देखिए आप लोग के लिए भलाई इसी में है कि हमारे साथ चुपचाप खाने चलिए। प्राण पदपान बाबू को भी इसी वक्त अपनी लड़की को कहानी सुनाना था। इंस्पेक्टर साहब देखिए कुछ हो नहीं सकता है। हो सकता है अगर आप उनके नाम एक खत लिख दे तो। जी खत क्या मैडम, पूरा का पूरा रजिस्टर लिख दूं। जाइए कमरे चली आई। जी हाँ जी बताइए क्या लिखना होगा। देखिए मुलाजिम नियुक्त करता हूँ और जब तक थिएटर में रहूंगा आपको मुलाजिमत से बरतरफ नहीं करूंगा। आखिर आप है कौन? आपने साबित कर दिया कि आप में अभिनय करने की काबिलियत है। आप तो अपने बन के उस्ताद हैं।